छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार दिव्यांग पार्क बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इसकी घोषणा की, लेकिन इस योजना का ऐलान होते ही सियासत भी शुरू हो गई है। 5 एकड़ जमीन हमने कहा आपको उपलब्ध करा दीजिए, रायपुर में दिव्यांगजनों के लिए एक अच्छा पार्क का निर्माण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा वो यहाँ पर निर्मित कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस बयान के जरिए छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों को सौगात दी। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की मांग पर सरकार ने दिव्यांग पार्क बनाने की घोषणा की। रायपुर में दिव्य कला मेला का शुभारंभ करने आए केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग उद्यमी कारीगरों के बीच ये ऐलान किया, 5 एकड़ में पार्क बनाने की बात कही। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। उन्होंने केंद्र सरकार को पार्क के लिए जमीन मुहैया कराने का वादा किया और दिव्यांग कला मेला को दिव्यांगों के लिए मील का पत्थर बताया। रायपुर में दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग पार्क बनाने की घोषणा की है, उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, ताली बजाई उनके लिए। और मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि दिव्यांग पार्क के लिए 5 एकड़ जमीन उनको अवश्य उपलब्ध कराएंगे विभाग को। बीजेपी की इस घोषणा से सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर बताकर हमला बोला। ये जो घोषणा करते हैं वो जब पूरा हो जाएगा तभी कह सकते हैं कि इन लोग जो घोषणा किए वो सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र का कहीं कोई विश्वसनीयता रहती नहीं। अब 2003 का देख लीजिए, 2008 का देख लीजिए, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग पार्क बनाकर दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के गुर सिखाए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए मदद की जाएगी। अब देखना होगा कि पार्क बनने के बाद प्रदेश के दिव्यांगों को कितना फायदा मिलेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज़, रायपुर।